नमस्कार। भोजपुरी सिनेमा के सरताज के रूप में आज हमारे साथ हैं रजनीश मिश्रा जी। रजनीश मिश्रा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने संगीत निर्देशक हैं और अब तो निर्देशक भी। रजनीश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, प्रणाम सर। संगीत को किस रूप में आप देखते हैं? संगीत मेरे लिए आराधना है, संगीत मेरे लिए साधना है। सरस्वती का एक वरदान है जो सबको प्राप्त नहीं होता है, मैं सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे प्राप्त हुआ है। पहली बार कब ये लगा कि ये संगीत जो है वो साध्य बन जाएगा और रोजी रोटी बन जाएगा, आपका करियर बन जाएगा? ये प्रश्न जो आपका है तो बहुत बड़ा प्रश्न और छोटे से में यही जवाब होगा इसका। स्कूल में पढ़ते समय ही जब गुरुजनों ने इस आवाज को सुन करके और मेरे अंदर की प्रतिभा को देखते हुए उन्होंने कहा था कि जब तुम मुंबई पहुंचना तो बाकी सब काम के लिए तो सोचना ही, साथ में संगीत में भी ध्यान देना। और जब आया तो संगीत में ध्यान दिया। और ये अपने बचपन की बात की, आपके बचपन की तरफ लौटते हैं और फिर इस सफर पर आएंगे जहां पर आपको एक नाम मिला, शोहरत मिला। बचपन कहां आपका जन्म हुआ, क्योंकि आप आज बहुत सारे दर्शक हैं, आप सेलिब्रिटी बन गए हैं, तो जब कोई सेलिब्रिटी बन जाता है तो लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आपका जन्म स्थान क्या है, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। जी, मेरा जन्म बिहार के पश्चिम चंपारण जिले का एक गांव है नरकटियागंज क्षेत्र का, केहुनिया, वहां पे हुआ। पिताजी मेरे शिक्षक, गांव में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे। शिक्षक चूंकि हमेशा होते हैं तो पिताजी को भी गाने, और मौसी का बहुत बड़ा शौक था, उनको गाते गुनगुनाते थे, पर सुनते बड़े बड़े कलाकारों को थे। सुनने के लिए वह आगरा तक चला जाया करते थे, बिहार के छोटे से गांव से। तो उनके अंदर जो कला के प्रति भूख थी, जो उनको सुनने का एक शौक था, वो मेरे अंदर बचपन से ही मिर्चे गवा गवा करके सुनने की उनकी जो आदत हुई, उसने ही वो आदत ही मेरे अंदर संगीत को। तो हम कह सकते हैं कि ये कला आपको विरासत के रूप में मिली है? हाँ, पिताजी गाते तो नहीं थे, पर पिताजी बहुत अच्छे श्रोता है, सुनने की कला उनको थी मजबूत, और बड़े बड़े कलाकारों को सुनते थे, हिंदुस्तान के, चाहे वो गिरजा देवी हो, चाहे वो बिस्मिल्ला खान साहब सहनाई पे सुनाए, या सरोद पे उनको सुनने के लिए मिले कोई, या विलायत खान साहब का सितार। पिताजी तो पारखे थे, इतने बड़े बड़े लोगों को सुनते थे, तो क्या उनको कभी लगा या उन्होंने कभी आपसे ऐसा कहा कि बेटा तुम, या उनको लगा कि मेरा बेटा आगे चलकर भोजपुरी संगीत में नाम करेगा, वो स्पार्किंग उनको कहीं दिखी थी? बिहार में देखिए, ये विडंबना है, बिहार का हर पिता, हर पेरेंट सब क्यों यह चाहेला कि लड़का उनका पढ़ लिख के कलेक्टर बने और ना तो इंजीनियर बनो। कला के क्षेत्र में और चाहे रुआ स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हमनी के बिहारी लोग के उतना ज्यादा चाव ना हो ना, लेकिन वो बाबू जी की चूंकि दूसरा टेस्ट रहे, रुचि रहे, तो आदमी जब रुचि रहे तो सोचे ना, जो क्रिकेट के बहुत ज्यादा प्रेमी बा वो कब को सोचे ना कि हमारे लड़का वो जी खेलित ना, सोचेला, लेकिन करे इजाजत ना दी हमनी के पेरेंट्स। अब तो चूंकि माहौल बदला था, अब हमनी के यहाँ के लोग भी अपना लड़का के प्रोत्साहित करता, चाहे संगीत के क्षेत्र में होके, चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में होके, एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी के क्षेत्र में होके, पर आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले लोग इतना अलाउ ना करे। तब रुआ कैसे, जब वो ढंग के रहे, बंधन अपने ही रहे, कैसे सब कोई चाहते रहे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लड़का तो लड़का संगीतकार कैसे बन गए? जी एक्चुअली हम पढ़ाई में छठा क्लास में जब रहनी तो नवोदय विद्यालय में हमारा चयन हो गई, और जब नवोदय विद्यालय में गई तो वहाँ स्कूल में सरकार की तरफ से बहुत बेहतर संस्था नवोदय विद्यालय, और वहाँ सब व्यवस्था रहे, खेले कूदे के भी बहुत उत्तम व्यवस्था रहे और संगीत के भी व्यवस्था रहे। वहाँ एक जना गुरु जी सी के शर्मा जी भेटैनी, और वहाँ के लागल की लेकर गा सका था, तो वहाँ के हमारा के गाना सिखावल चालू गए, और वहाँ के गवाई हमरा से स्कूल में कोनो भी फंक्शन हो के तो मैं हम गीत गाई और सारा प्राइज हमारे मिले। तो सारा शिक्षा के उस समय के गीत याद बजन पर प्राइज मिल रहे हैं। हाँ, वो समय के वो गीत रहे जन पढ़ा हम गाई की
श्याम नहीं बोले राधा भी नहीं बोले, श्याम नहीं बोले राधा भी नहीं बोले, बांसुरी बोले तो राधा ठुमक ठुमक डोले, श्याम नहीं बोले राधा वाह 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 वाह। तो हमने के स्कूल में मतलब माहौल इस तरह है कि या तरह हुआ भक्ति गीत गाई आ ना तरह हुआ देशभक्ति गीत गाई, तो ये सब फिल्म में भी गाने के ज्यादा ज्ञान। अच्छा, तब मान ली रुआ संगीत के तालीम लेनी शिक्षा लेनी तरह मुंबई में आई नहीं, तका पूरा योजना के तहत है नहीं प्लानिंग कर के है नहीं कि जाए एक बार हमरा संगीतकार बने के बाद। जी हम पढ़े में बड़ा तेज रहनी, जी पढ़े में बड़ा तेज रहनी है। बम्बई में मैंने हम आईआईटी की तैयारी करे खतरा 92% मार्क्स से हम पास के लिए रहनी, यहाँ बम्बई में आके हम लोग अब समझी कि हम 12वीं पढ़ल लड़का, यहाँ के 12वीं के लड़का लोग के पढ़ाई मैथ्स हाँ, तो बिहार के पढ़ाई जी, तो पढ़े में ईश्वर की कृपा से तेज रहनी। तो हमें वहाँ पढ़े खतरा ही नहीं, पढ़ाई अपन फिजिक्स संगीत तब तक एगो हॉबी रहे के शौक रहे, एगो हॉबी रहे संगीत बस गावे के रहे कि आज गा लेवे के बाद। लेकिन फिर अंदर से ई हमार भाई साहब वहाँ मुंबई में रहले उनके लगे हमारी रहनी, और वो सिनेमा जगत में ही काम, मृत्युंजय मिश्रा जी नाम होकर और सिनेमा जगत में ही काम करते रहे। तो हमारा के टी सीरीज कंपनी में बतौर एडिटर लगवा डाले। अच्छा, तो हम एडिटिंग के काम सीखे लगनी और एडिटिंग करे लगनी हुआ। अच्छा, बड़ा नीचे लगत रोग आई रहनी आईआईटी के तैयारी करे जी, सीखत रहनी संगीत जी, वीडियो एडिटर के काम करे लगनी जी। तो हमारा जिंदगी में तरह के चीज है कि हमारा डिफरेंट डिफरेंट चीज मतलब जहाँ जैसन चीज मिले ना जैसे अपने कह जाला दो गुना ऊपर चार गुना ऊपर चढ़ल बड़ी खतरनाक वाला मुहावरा भी अपना जी जी जी। और तो ईश्वर के कृपा बनी जो नाव पर भी चढ़े नहीं वो नाव के बेड़ा पार प्रभु लगा देले, बाकी बंद के रहल और एक एक चीज के रूटीन जॉब कई हमारा दिमाग से मतलब बाहर के चीज हो, तो अपने आप ही रुचि बाकी वो काम कहनी तब एक हटाओ कुछ और कर जिंदगी एगो मिलल बा, और वो लगातार हम अपना जिंदगी में हमेशा करते हैं। चलिए हमने के अभी जाना जाए कि वीडियो एडिटर रजनीश मिश्रा जी संगीतकार कैसे बनी, लेकिन वो छोटा ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ मेहमान हैं भोजपुरी सिनेमा के सरताज संगीत निर्देशक रजनीश मिश्रा जी। रजनीश जी रुआ कहत नहीं है कि रुआ टी सीरीज में वीडियो एडिटर के नौकरी कर देनी, तो वीडियो एडिटर से संगीतकार बने के सफर कैसे तय पाई? जी वीडियो एडिटिंग हम करते रहने और वीडियो एडिटिंग के दौरान ही हुआ चूंकि टी सीरीज में बहुत बहुत कलाकार लोग आ गए, गीत संगीत के तो पूरा माहौल रहे और हम हुआ कुछ ना कुछ हमेशा ब्रेक वगैरह में गीत गावल करी, तो जो टेक्नीशियन लोग रहे लोग जो वीडियो डिपार्टमेंट के वो लोग लागल कहे कि यार अच्छा गाता है तो वीडियो एडिटिंग में क्यों लगा हुआ है, तो गाने वाने में ट्राई कर। तो सुखविंदर सिंह जी वगैरह एल्बम वगैरह टी सीरीज में करत रहे उनका के हम गाना वाना सुनाओ चालू कही, और हमारा भैया के बहुत अच्छा दोस्त रहे सुखविंदर जी, तो सुखविंदर जी बहुत प्रभावित हुए बोले कि तू तो अच्छा गाता है, और सुखविंदर जी हमारा आवाज में एक दू गो माता के भजन वगैरह रिकॉर्ड कर ले, और सुखविंदर जी के साथ काफी अच्छा ट्यूनिंग हो गई, तो उनके साथ उनके घर पर गई आई और संगीत के फिर रुचि एगो अंदर पैदा हो गई। भजन सुनाए रुआ? भजन मैहर वाली की माँ भवानी के भजन रहे जी, और भजन के बोल रहे कि अभी याद नहीं क्या पड़ा शारदा मैया कुछ ओबरा के कोटीशंस को ट्रैक रहे ऊपर हम भजन बोल। चलिए आगे चलता नहीं, पहला फिल्म राहुल जोन बतौर संगीत निर्देशक रुआ कही जी, ये फिल्म का नाम रहे निरहुआ रिक्शा वाला, और फिल्म के संगीत करे के मौका बड़ा ही चूंकि हम ओकरा पहले भोजपुरी के कुछ काफी बड़ा नाम रहे लो विनय बिहारी धनंजय मिश्रा ये लोग के पास हम रह करके और गाना गावे के कोशिश करत रहनी कि ये लोग हमारे को मौका मिलो। सुखविंदर जी के साथ कुछ दिन तक वहाँ के छैया छैया हिट भई, दुनिया उनकर बदल गई, फिर थोड़ा सा दूरी आ गई, और
तब हम भोजपुरी के जो लोग रहे वो लोग लगे स्ट्रगल कल चालू करनी है वहाँ कोरस सिंगर के बतौर हाँ गाना के चांस उतना मिलत ना रहे तब बतौर कोरस सिंगर ही लोग लगे गावल चालू करनी जो हमें एल्बम रलसन मनोज तिवारी जी के इंदु सोनाली के राधे श्याम रसिया जितना भोजपुरी के लोग रहे सब के उनके एल्बम में हम कोरस वगैरह हम यहाँ अरवा करो के देखिए अपना दर्शक लोग की बतावे की चाह और चूंकि तमाम भाषाओं के संगीत पर और फिल्मों पर हम लोग काम कर रहे हैं तो ये बताना चाहूँगा कि कोरस का आदमी भी उस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा संगीतकार हो सकता है अगर अंदर जज्बा हो अगर अंदर कुछ करने का लगन हो। इसीलिए हम इस कहानी को लेकर आए हैं कि आप जो नकारात्मकता की ओर बढ़ रहे हैं उससे हटें उससे नेगेटिविटी से बाहर निकलें और आइए ये जानना दिलचस्प होगा कि कोरस के पीछे स्ट्रगल करने वाला एक आदमी कैसे उस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा संगीतकार बन जाता है। जी रतीश जी जी तो फिर वही कोरस गाते गाते एक हमारे मित्र हैं संतोष मिश्रा जी जो फिल्म लिखते हैं आज की तारीख में बहुत बड़े डायरेक्टर भी हैं उनको मैं एक गाड़ी के बर्नर पे कुछ ऐसे गाने सुनाया कि यार ये गाने बनाया हूँ और एल्बम वल्बम में कहीं गाऊंगा इसको। उसमें से एक गाना था हमारा ओढ़नी के रंग पियर जादू चला रहा बहुत हिट भाई उदित जी की आवाज में जी वो तो सिनेमा में गईला के बाद हिट भाई हम उनका गाड़ी के बर्नर पर ऐसे ही गाना सुना और गाना सुनौला के बाद वो कहले कि यार तू काम करना तू म्यूजिक दे ना अरे अरे यार हम गावे वाला आदमी गीत गावे वाला आदमी हम म्यूजिक डायरेक्टर कहाँ से बन जाएगा तो बोले कि तुर ना आवेला का बोला कि आवेला तो तुरा हिम्मत नहीं क्या कर ले बिल्कुल कर ले यार हिम्मत के का बात करता रहे तो एक प्रोड्यूसर से चल मीटिंग कर लिया वो हमसे प्रोड्यूसर से मीटिंग करो बस और मीटिंग भइल हमने के जौन प्रोड्यूसर वाले अंक मीडिया के अशोक कोटवानी जी जो निरहुआ रिक्शा वाला फिल्म बनावत रहे गाना सुनला के साथ ही इतना ज्यादा वो प्रभावित भले कहे कि कुछ भी हो जाए मेरा म्यूजिक डायरेक्टर तुम ही रहेगा। ओकरा बाद हमारा इंडस्ट्री से जो लोग जानत रहे कि हम कोरस सिंगर हैं वो बड़का बड़का नाम बड़का बड़का लोग सब लोग वो प्रोड्यूसर पीछे पड़ गए कि इसको कैसे भी करके मतलब म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बनने देना है और उस सब लोग वहां जाके कॉलेज के अरे कहां है आप किसके चक्कर में पड़े हैं हमारे पीछे पीछे कोरस गाता है लड़का वो उसको कहां म्यूजिक डायरेक्टर बना रहा है। देखो शेर हमारा याद पड़ल हालत पर कि कुछ लोग चांद बन के चमकने की फिक्र में सूरज के डूबने की दुआ मांगने लगे ऐसा हो रहा जो पीछे पंक्ति के आदमी आगे आवे लगे तो हो रहा जी तो फिर का भाई तो कोटवानी जी के इतना ज्यादा पसंद रहे गाना सब हमने के कि कोटवानी जी कहले कि नहीं नहीं म्यूजिक डायरेक्शन तो तुम ही करो जी और ऐसे फिल्म का मौका मिल गई निरहुआ में हीरो रहे दिनेश लाल यादव जॉन की 2006-07 के बाद जी 2006 और पहली का भी हमनी के दोनों आदमी के मुलाकात भइल और बहुत मुलाकात फिर बहुत अच्छा दोस्ती में तब्दील हो गए। दिनेश जी बहुत सुलझल आदमी और पहली का मुलाकात में तो पहले कहले कि ये गाना के से लिखो तो नहीं है खाई के करी हो के करी कई को प्रश्न कहले क्योंकि बड़ा वो स्टार रहे निरहुआ सटल रहे एल्बम पर बहुत बड़का हिट रहे उनका से हमारा मुश्किल से 5 मिनट के बाद कही ओकरा बाद कहले कि जा तू म्यूजिक कर आज के बाद एगो प्रश्न हम तरह से ना पूछब 5 मिनट के बोला बातचीत के बाद। अच्छा ऐसा बोला ना अमूना नहीं बोला कि आज भी वो बा ट्रेंड बन चुका बा कि जे भी स्टार होला फिल्म के हीरो होला जी सब वह तय करेला हाँ के हीरो रही के म्यूजिक डायरेक्टर रही के गीत लिखी ये सही बात बा हाँ ये बात बिल्कुल सही बा वो लोग अपना हिसाब से लोग के निकाले ला लोग के जुड़वावे ला लेकिन अब यह बात बा कि कुछ लोग बा जौन परिधि में ना वेला वो अपना और हुनर बार हुआ लगे अगर क्षमता बात अपना काम के बल पर हुआ काम पाए जी तो निरहुआ रिक्शा वाला ऐसे हम बताओ तो नहीं कि फिल्म के म्यूजिक ना नहीं जा और म्यूजिक सिनेमा ओबरा जो कुछ गणितज्ञ लोग रहे इंडस्ट्री के वो लोग कहला कि यार ये गाना अच्छा नहीं है वो गाना अच्छा नहीं है पैटर्न से हट के म्यूजिक दे रही ओबरा को में। जब सिनेमा रिलीज भयो तब सिनेमा के संगीत बहुत बड़ा हिट हो बहुत बड़ा हिट
तो कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द बायस को।